आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कोर्स को, और शिवांग जी सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, क्योंकि तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि एडवांस एक्सेल कोई अलग पैकेज है या कोई अलग अप्लीकेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका जो नॉर्मल एक्सेल है वही होता है, बट उसका यूज एडवांस हो जाता है। अब कैसा एडवांस होता है उसको एक हम एक ट्रिक्स के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, अगर हम 20 को कॉपी करके 30 पे पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाय 20। लेकिन हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल में एक कमांड होता है यहाँ ऑपरेशन का, इसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे। जैसे हमने ऐड कर लिया, अब क्या होगा, जहाँ पे कॉपी हुआ है और जहाँ पे पेस्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट पेस्ट होगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन, इसको हम बेसिक कैटेगरी में डालते हैं, दिस इज द बेसिक, मतलब कि किस फंक्शन को कैसे यूज करना, मैंने कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। एक ट्रेनर, जैसे बहुत सारे टेक होता है ना, एम टेक, एफ टेक, ऐसे बहुत सारे टेक कंपनी है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके ट्रेनर्स आपको यहाँ तक समझा। लेकिन प्रॉब्लम है इस चीज़ को जानना कि आखिर इसका हम बेनिफिट क्या लेंगे, हमें इसको अपने ऑफिस में कैसे यूटिलाइज करना है, समझे? हमको अपने ऑफिस में कैसे इसको यूटिलाइज करना है। अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं। अब एक वर्किंग प्रोफेशनल जो बताएगा वो क्या बताएगा वो आप बताते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में जानना होगा। एक्सेल में परसेंटेज लिखने के लिए आप लिखते हैं 20, वैसे 20% लिखना है तो 20% का सिंबल देते हैं, 20% आ जाता है। अगर मैं 20 को टाइप करके एंटर कर दिया, उसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल दिया तो क्या होगा, 2000%। एक्सेल में क्या होता है, 1 = 100% होता है। ओके, तो अगर मुझे परसेंटेज सर देना आपकी वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है। हाँ है, आज फर्स्ट डे है ना, तो जूम हो सकता है अपना पैचेज डाउनलोड कर रहा हो, मे काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है क्या? बी नहीं, थोड़ा सा डिले हो रही है, तो जो मेन फंक्शन वो समझ में नहीं आ पा रहा। अच्छा, मैं अभी अभी ठीक करता हूँ, समझे आप टीम्स यूज नहीं करते हैं? क्या पेन? टीम्स यूज नहीं करते, माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं, टीम्स यूज नहीं करता सर, क्योंकि टीम्स में हो सकता मेरे नेटवर्क। टीम्स थोड़ा सा इंटरनेट हेलो, ज्यादा कंज्यूम करता है सर, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट रूरल एरिया अच्छा, और ओके ओके, लो इंटरनेट पे भी चल जाता है और इंटरनेट कंज्यूम कम करता है। तो आप कहाँ पे बेस्ड हैं? देखिए, मैं बेस तो दिल्ली से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नहीं हूँ, फिलहाल मैं बिहार से हूँ सर, ड्यूटी को मैं ओके पिछले साल आया था, तब से गया ही नहीं। सोच रहा ओके अच्छा, कि अब तो फाइनली प्लान बन गया कि अब नहीं जाना है, जो हालत है रिटर्न आता हूँ। तो यहाँ पे हमें, अगर मान लीजिए कि टाइप करने के बाद परसेंटेज का सैंपल देना है, तो 0.20 हमें इस तरह से लिखना होगा, 0.20। उसके बाद इस ओके पे हम परसेंटेज का सैंपल देंगे तो 20% आएगा, ठीक है? तो हमारे ठीक मालिक थे, हमारे एक ऑफिस स्टाफ थे, वो मुझे एक डेटा भेजते थे, वो परसेंटेज का सैंपल देके और डेटा भेजते थे। तो मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक मिनट, रैन बिटवीन का फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है हमें सर, मुझे इस तरह का डेटा भेजते थे। प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ मुझे इसको यूज करना है वहाँ पे परसेंटेज चाहिए। जैसे मान लीजिए 500 का 40% निकाला है, तो 40 अगर परसेंटेज में होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 का परसेंट निकालना है तो अगर 40% में हुआ तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, बट 40 अगर फॉर्मेट में हुआ तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा सर, रिजल्ट बदल जाएगी ना सर। तो
प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना कैलकुलेशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कैलकुलेशन और भी बहुत सारे डेटा पे लगा हुआ है, कि कुछ लोग मुझे भेजते हैं, कुछ लोग ऐसे भेजते हैं। सो मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ मुझे इस डेटा को यूज करना है वहाँ मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता। सो मुझे इसको परसेंटेज के सिंबल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है? परसेंट का सिंबल इस तरह से एक एक करके देंगे। अब एक एक करके इस तरह का परसेंट सिंबल देंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, अगर डेटा अगर 10-20 हज़ार हो तो। समझ आ रही सर आपको? हेलो सर, थोड़ा सा भाई फ्लक्चुएट हो रही वॉइस, तो क्लियर नहीं हो रहा था सर। मुझे लग रहा है आपके एंड से प्रॉब्लम है, यदि से मुझे दिखा पा भाई, मैं चेक करने ही गया था कहीं, क्योंकि कोई और इंटरनेट वगैरह चल रहा होगा तो उसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने कि इंटरनेट थोड़ा सा चाहिए, हैवी मैंने थोड़ा सा चाहिए जिसमें कम से कम 5 Mbps तो स्पीड हो ही हो। कौन सा आपका प्रोवाइडर कौन सा है? मेरा जियो ही है। ओहो जियो है सर, इसलिए ऐसा हो रहा है सर। जियो क्या होता है? फ्लैक्चुएट करता है, उसका फ्लैट नेटवर्क नहीं होता है, फ्लैक्चुएट नेटवर्क होता है। नहीं, अभी मैंने भी कुछ देर पहले ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड की, उसमें तो नहीं हो रहा था। तो मीटिंग किस पे कर रहे थे आप? टीम्स में मीटिंग्स में क्या होता है कि जैसे दिखाते हैं ना ये, माने कि टाइम डिलीवरी टाइम जो होता है स्क्रीन और वॉइस का पूरा, माने कम्युनिकेशन जो होता है। अभी अभी ओके है, अभी ठीक चल रहा है। अभी ठीक है ना? चलिए तो जैसे सिंपल सी बात समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास इस तरह का डेटा आया हुआ है और डेटा हमारा परसेंटेज सिंबल में, परसेंटेज सिंबल हेडिंग में है बट है एक्चुअली नंबर में। जहाँ मुझे यूज करना है जिस कैलकुलेशन में इस डेटा को, वहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए, तो इस सब को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो वन बाय वन कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम एक सेल पे 100 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम ये जो C4 में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ऑपरेशन वाला, उस एग्जांपल यहाँ यूटिलाइज करेंगे कि यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और पूरे एरिए पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन, ऑपरेशन में हम सेलेक्ट करेंगे डिवाइड। डिवाइड किया, अब क्या होगा कि 100 से हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। जब 100 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में, जैसे कि यहाँ पे था कुछ इस तरह से, मैंने ओके आपने देखा, जैसे परसेंट करूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो करने का मतलब है कि एक ट्रेनर आपको ये चीज सिखाएगा कि इस फीचर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल आपको इस तरीके से बताएगा। अभी एक तरीका क्यों, एक वर्किंग प्रोफेशनल ऐसा क्यों बताएगा? क्योंकि वो इसको झेल रखा है। तो एडवांस की क्लासेस में हम कुछ इसी तरह का ट्रिक्स बताएंगे कि आप किस फीचर को ऑफिस में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो। समझे? अब इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है वो आता है VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग। VVA के साथ आपका MS Access और SQL ऐड हो जाता है। एक कंप्लीट जो पैकेज है वो कहलाता है MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन, राइट सर? ठीक है। ड्यूरेशन 3 to 4 months पड़ेगी सर, एवरेज है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, आप पे डिपेंड करता है। मंडे टू फ्राइडे जो है क्लास होगी वो आओगी आपको 45 मिनट टू 1 आवर, ये भी आपके लर्निंग पेज भी करता है। जैसे मान लीजिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टॉपिक पढ़ानी है और मैं टॉपिक पढ़ाया, आपने सवाल एक भी नहीं पूछे, सब कुछ समझ में आ गया, तो हो सकता है क्लास 45 मिनट के जगह पे 30 या 35 या 40 मिनट में ख़त्म हो जाए, बट आपने 15-20-25 क्वेश्चन पूछ दिए तो क्या होगा, तो टाइमिंग 1 घंटे से भी ऊपर हो सकती है।
और इसकी जो फीस पड़ेगी वो फीस पड़ेगी 15,000 रुपीज। सिर्फ एडवांस एक्सेल आप करते हैं तो इसका ड्यूरेशन आपका 2 मंथ अराउंड होगा, 1.5 से 2 महीने, और इसकी फीस पड़ेगी 7,500। सिर्फ अगर आप करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग, इसका 2 से 2.5 महीने का कोर्स है और इसका फीस पड़ेगा आपको 10,000। दोनों करते हैं तो 15,000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं टाइमिंग की। सबसे पहले बताइए कि आपको कंप्लीट कोर्स करना है कि जस्ट एडवांस एक्सेल कोर्स करना है? तो सिर्फ अभी एक्सेल का ही मैंने सोचा है। अच्छा, एक्सेल ही करें। एक काम करते हैं, आप एक अभी फिलहाल एक्सेल को इग्नोर इनरोल कर लीजिए, फिर आपको वीवीए प्रोग्रामिंग भी 4-5 क्लास में फ्री में दे दूंगा। आपको लगा कि बेनिफिशियल है तो आप कर लीजिए, क्योंकि वीवीए इंपॉर्टेंट तो है। अभी क्या है बताता हूँ आपको। देखिए, हमने पहले कोर्स में बताया एक्सेल के सारे इनबिल्ड फीचर को हम कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा काम आ गया जिसके लिए आपके पास कोई टूल्स अवेलेबल ही ना, या टूल्स अवेलेबल है तो वो लेंदी है, तो आप वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से खुद अपने लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि आपको 1,000 लोगों को इंडिविजुअल मेल करना है, तो एक एक करके कंपोज करके भेजोगे तो पूरा दिन लग जाएगा। सही बात। और गलती भी हो सकती है कि ये किसी का मेल किसी और को भेज दो, जैसे सैलरी स्लिप भेजना है आपको। नहीं, अभी प्रोफाइल एक्चुअली मेरी वो नहीं है। जैसे मैं अभी नहीं है, इन फ्यूचर में हो सकता है, तो आप फ्यूचर की रेडी कर रहे हैं ना क्या? तो कहने मतलब कि देखिए, आपका बॉस आपसे ही नहीं बोलेगा कि आपको कौन सा काम वीवीए के थ्रू करना है। अब जो काम आप डेली बेसिस में कर रहे हैं उसको वीवीए के थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि एक क्लिक करने पे आपका काम हो जाए। आप उस काम को मैनुअल भी कर सकते हो। उनको तो काम से मतलब है कि काम हुआ या नहीं हुआ, एक रिपोर्ट आज गया या नहीं गया, रिपोर्ट अंदर 100% एक्यूरेसी थी या नहीं थी, ऐसे मतलब है। आपने उसको कैसे बनाया उसे उनको मतलब नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली वर्क करेंगे, क्योंकि मैंने मेरा स्लोगन ही है कि डू ए स्मार्ट वर्क, नॉट ए हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, ठीक है ना? तो स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि जो काम आपका सिस्टम खुद ब खुद कर सकता है उसको आप अपन करके अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे और लाइफ का कीमती टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? क्या सर? तो इसलिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग अभी नहीं सीखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 साल बाद आपको अगर एक्सेल पे ही काम करना है तो वीवीए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ गए? एक्सेस और एसक्यूएल की इंक्लूड है, क्योंकि कुछ ऐसा काम है एक्सेल में जो कि लेंदी है, एक्सेस इसको इजीली कर देता है। और दूसरा, सीक्वल क्वेरी, एक्सेल को किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सीक्वल क्वेरी की जरूरत है, और सीक्वल क्वेरी की प्रैक्टिस के लिए हर किसी के पास सीक्वल सर्वर इंस्टॉल नहीं हो सकता, इसलिए हम एक्सेस में इसको प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो है फिलहाल एडवांस एक्सेल के लिए कर लें, बाद में इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है? टाइमिंग की बात करें, फिलहाल जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाएगा आपको मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, और इवनिंग में 6 बजे भी मिल सकता है आप। दोनों टाइम में से कोई सुबह का तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारा दिन रिपोर्टिंग लेनी पड़ती मुझे। शाम को 6 बजे का तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो मंडे से शाम को 6 बजे हम करते हैं, ठीक है? और जो फीस है वो वन टाइम है कि उसमें कुछ? देखिए, आप ये आपका वन टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि जो टोटल दो कोर्स है हमारा, ये टू पार्ट में लेते हैं, ठीक है ना? तो अभी जो 7,500 डाल के आप एक्सेल के लिए इनरोल कर रहे हैं, फिर जब तो ये वन टाइम देना पड़ेगा, चाहेंगे तो इसके आपको 7,500 देना पड़ेगा। कितना मतलब समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे हैं सर? हमने आपको भी एक्सेल के इनरोल करवाया जिसके लिए आपको 7,500 आपके लिए लेंगे, फिर जब आप वीवीए करेंगे तो वीवीए के लिए आपको वापस 7,500 देना पड़ेगा,
ठीक है। ये वन टाइम रहेगा, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं रहेगी है ना? देखिए, अगर इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम हमारा 5,000 फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा। तो 5,000 दे सकते हैं तो दे दीजिए, अगले में 2,500 दे दीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ एक कलीग और है, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, कलीग है आपके साथ? हाँ, वो भी करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप दोनों आदमी एक ही बैच में आते हैं, शाम को 6 बजे या सुबह 10 बजे, जो भी एक बैच है, तो आपको सर डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों तो आदमी। उसमें क्या फीचर है? तो यही आपका जो है 2,500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि टोटल 5,000 का डिस्काउंट दोनों आदमी को मिलेगा। तो फीस अच्छा, 5,000 5,000 ही देनी पड़ेगी, लेकिन शर्त तो वही है कि आप दोनों को हमेशा एक बैच में रहना होगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं डिस्कस करके आपको अपडेट करता हूँ व्हाट्सएप पे। वो दोनों आदमी अलग अलग बैच में करेंगे तो फिर अलग देना पड़ेगा सर आपको। नहीं, साथ में ही करेंगे। साथ में करेंगे तो आपको दोनों आदमी को 2,500 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं एक बार उससे भी डिस्कस करके मैं ठीक आपको है, व्हाट्सएप तो पे। ठीक अभी मैं आपको एक वीडियो लिंक भेज रहा हूँ, आप अपने कलीग को भेज दीजिएगा। तो है। हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, ठीक है ना सर? हाँ तो आपको इसमें क्या है कि एक्सेल में जो भी चीज़ें पहले से आनी चाहिए वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छी वीडियोज है, आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल संडे है, इसको एक बार देख लें और मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, एक मैं दो दिन दर्ज क्लास करूंगा। लेके देखिए, अगर उसके बाद फीस पेमेंट कीजिएगा। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट मेरे लिए सर। ठीक, बिल्कुल सर, मैं बस मैं डिस्कस